अस्सलामुअलैकुम क्लास 10, आपके पास केमिस्ट्री का यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज इसका सेकेंड टॉपिक हमारे पास है, लेक्चर 2 है हमारे पास, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक दूसरे के साथ मतलब रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। अब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे जब वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, वापस वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज हो सकते हैं, तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या है, जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बने थे उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो हमारे पास किसके बराबर होंगे, हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन था मतलब रिएक्टेंट्स से जब वो चेंज हुए थे उनकी मकदार बराबर होगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हमारे पास है द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अ यूनिक टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन में जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें हमारे पास अहम किस्म की अलग किस्म की जो इक्विलिब्रियम है वो होती है, वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, जहां पे रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन जो है मिकदार रिएक्टिंग स्पीशीज की जो रिएक्शन कर रहे हैं दैट इंक्लूड द इंक्लूड बोथ, यानी जिसमें हमारे पास दोनों इनिशियल रिएक्टेंट्स भी होते हैं एंड प्रोडक्ट वो अनचेंज होते हैं इन अ डायनेमिक मैनर, यानी जो हमारे पास दोनों की कंसंट्रेशन होगी मिकदार होगी वो चेंज बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपके पास है हाइड्रोजन है और आयोडीन है, हाइड्रोजन और आयोडीन ने जब रिएक्शन किया तो हमारे पास क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, ठीक है, क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर टाइम शूट किया गया है और वाई एक्सिस पर आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन है। अब यहाँ से जब हमारे पास मखसूस टाइम में दोनों, अब आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है और आयोडीन है दोनों एक पॉइंट से जाकर दूसरी तरफ से हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी जो एक टाइम में दोनों एक साथ होते हैं और लास्ट में जाकर इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो एक ही मिकदार में जाती है, मतलब कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन जो उनकी होगी या मिकदार जो होगी वो रिमेन सेम, यानी अनचेंज है। यहाँ से तो बराबर अलग अलग मिकदारों में होंगी लेकिन एक पॉइंट पर जाकर मतलब जो उनकी कंसंट्रेशन है y एक्सिस पर वो सेम हो जाएगी। दिस इज टू बी नोटेड, इस पैराग्राफ से या इस हमारे पास फिगर से हम ये देख सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसमें ऑल थ्री स्पीशीज क्या है, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड तीनों स्पीशीज जो होंगे वो रिएक्शन के फाउंड इन स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। अब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को इस इन डॉट से शो किया गया है कि इनकी मिकदार जो है एक मखसूस मिकदार होंगी। एट दिस पॉइंट डज नॉट स्टॉप, यानी इस पे जो हमारे पास रिएक्शन होगा इस पॉइंट पे वो स्टॉप नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ये एक दूसरे में तब्दील हो जाएंगे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल होने की वजह से जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज हो जाएगा और जबकि हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वापस हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज हो जाएगा, मतलब ये साइकिल रुकेगा नहीं, ये रिएक्शन रुकेगी नहीं बल्कि इनकी जो स्पीशीज है वो इंटर कन्वर्ट होंगे इस तरीके से कि इनकी मिकदार जो होगी वो अनचेंज रहेगी, यानी मिकदार सेम ही रहेगी। तो ये आज आपका टॉपिक था, इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट इसका आपके पास एक्टिविटी है 9.1, आपने क्या करना है, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स व्हेन दे अटेन द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप लोगों ने अपने पेज नंबर 11 पर केमिस्ट्री की बुक पर एक्टिविटी 9.1 है, ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने इसको करना है, इसको ट्राई करना है कि ये कैसे होगा और इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम जैसे कि सेम हाइड्रोजन और आयोडीन जब मिले थे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना था, केमिकल बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, और इस केमिकल इक्वेशन की हमने ग्राफ भी बना लिया। आपने ग्राफ नहीं बनाना बल्कि आपने फिर बताना है कि ये कैसे अटेन कर सकता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे ये अटेन कर सकता है, तो ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका काम होगा, ये आप लोगों ने ट्राई करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।